Hey everyone, welcome to Spillbee. So, काफी वक्त से I've been getting comments related to Shehnaaz Gill, where people are pointing out that during interviews she overreacts and tries too hard to be that cute girl. See, Shehnaaz Gill का जो interview series आया है ना, जहाँ पे वो राधिका आप्टे, सारा अली खान, शाहिद कपूर, बीबी के बैंस का इंटरव्यू ले रही है, वो इंटरव्यूज देखने के बाद ऑडियंस उसे हेट देने लगी है. अदरवाइज उसके पहले पीपल लव्ड हर बबली नेचर. जैसे वो बिग बॉस में थी ना, वो नेचर लोगों को काफी पसंद था. तो ये सडन शिफ्ट क्यों आया ये समझने के लिए आई स्टार्टेड वॉचिंग द इंटरव्यूज जो वो होस्ट करती है. वन थिंग इज वेरी क्लियर दैट कॉन्वर्सेशंस जो होते हैं ना वो काफी ऑकवर्ड हो जाते हैं यहाँ पे गेस्ट के लिए. जैसे सारा के लिए ये बहुत ऑकवर्ड हुआ जब काफी लेम बातें डिस्कस होने लगी. कितनी बकवास कर रहे हैं ना, मजे हैं. मुझे सारे बोल रहे थे वो तेरे जैसी है, कहते उसके साथ ना तू मतलब फालतू बातें कर सकती है. तो ये लोग आपको भी फालतू बुलाते हैं और मुझे भी. हाँ. देन राधिका आप्टे के रिएक्शन से समझ आ रहा था दैट शहनाज के स्टेटमेंट से वो कंफर्टेबल नहीं है. वो टिकट पे बाद में फ्री होती होगी ना हस्बैंड लगा. आई विश, पर नहीं होता, कुछ फ्री नहीं होता इस जिंदगी में. जैसे आप इधर काम करते हो जी जी, फिर लंदन भी जाते तो टिकट कौन कराता है? मैं खुद करती हूँ मेरा टिकट. हाउ स्वीट यार. स्वीट क्या यार, मतलब उसका वो करेगा मेरा मैं करूंगी. तो फिर शादी क्यों की? शाहिद कपूर वॉज शोइंग अ लॉट ऑफ पेशेंस जब अननेसेसरली ना शहनाज कॉन्वर्सेशन को स्ट्रेच कर रही थी. कितना एज डिफरेंस है दोनों के बीच में? कहीं ना कहीं सीम्स लाइक जो बिग बॉस में शहनाज थी ना वो लोगों को इसलिए पसंद आई थी बिकॉज इतना वो प्रिटेंशियस नहीं थी. वो लोगों को हंसाने की ज्यादा कोशिश नहीं करती थी, अपने आप हो जाता था एंड वो उसका रियल सेल्फ था, इसलिए एवरीवन कनेक्टेड विद हर. एंड शो के बाद भी वही बबली गर्ल वाली इमेज ना शहनाज ने कंटिन्यू किया, जिसमें कुछ बुरा नहीं है. जस्ट दैट प्रॉब्लम तब शुरू हुआ जब शहनाज ने वो ओवर डू करना शुरू कर दिया. क्योंकि लोग पसंद कर रहे हैं दैट डजंट मीन आप ज्यादा ही करोगे. एंड ये केस में आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड ऑडियंस का पॉइंट ऑफ व्यू कि सडनली वो क्यों डिस्कनेक्ट कर रहे हैं उससे. बट समवेयर आई फील कि शहनाज गिल को ना थोड़ा बेनिफिट ऑफ डाउट भी हमें देना चाहिए. एक काफी ट्रेजिक चीज उसके साथ हो चुकी है एंड लोग ऐसे एक्सपीरियंसेस के बाद ना बदल जाते हैं. तो जब शहनाज ने वो ब्रेक के बाद वापस कम बैक किया तब ऑडियंस यही बोलने लगी थी कि शहनाज बदल गई है, पहले जैसे वो हंसती नहीं है, मजाक नहीं करती. तो कहीं ना कहीं वापस जब उसने काम करना शुरू किया ना तो ऐसा लग रहा था कि फोर्सफुली शी हैज टू एक्ट लाइक दिस. एंड मे बी इसी वजह से जब शहनाज ने फिर से काम करना शुरू कर दिया तब उसने ऐसा एक्ट किया कि वो नॉर्मल है, वो खुश है, वो वही सेम लड़की है जो बिग बॉस में देखने मिली थी. बिकॉज वही पर्सनालिटी से ऑडियंस ज्यादा रिलेट कर पा रही थी तो शहनाज ने भी वही पर्सनालिटी कैरी करने का डिसाइड किया. दो अंदर से वो कम्प्लीटली हील नहीं हुई होगी बट उसका भी काम है, उसका भी करियर है, शी हैज टू कंटिन्यू. तो एक मास्क शहनाज ने अभी लगा लिया है जिस वजह से वो नॉर्मल नहीं लग रहा. एंड ऐसा होना नॉर्मल है. एट टाइम्स अपने रियल फीलिंग्स को छुपाने के लिए ना लोग एट टाइम्स अलग एक्ट करते हैं. एक डिफेंस मैकेनिज्म की तरह ये होता है. शहनाज की पर्सनालिटी या एट्रीब्यूट्स को डिफाइन करना है तो इट विल बी लाइक थोड़ा डम एक्ट करना, फनी एंड लिटिल बिट वियर्ड. एनी नेगेटिव वे में आई एम नॉट सेइंग. ये इमेज जो है वो शहनाज के लिए काम कर रहा है. इस वजह से बिग बॉस के बाद इतने लोग उसके साथ काम करना चाहते थे. जैसे सलमान खान का कंसीडर करो, उनकी इमेज एंग्री मैन की है जिस वजह से बिग बॉस होस्ट करने के लिए ही इज वेरी एक्ट. कंटेस्टेंट्स उनको उल्टा जवाब देने से थोड़ा डरते हैं. वही जब करण जौहर या फराह खान बिग बॉस होस्ट करने का ट्राई करते हैं तब कंटेस्टेंट्स में वो डर नहीं दिखता. शहनाज गिल का अगर आप कॉन्वर्सेशन देख रहे हो या इंटरव्यू देख रहे हो तो उससे यू कांट एक्सपेक्ट दैट एक इंटेलेक्चुअल कॉन्वर्सेशन या इंटरव्यू देखने मिलेगा. यू कांट एक्सपेक्ट फ्रॉम हर कि वो पॉलिटिकल इश्यूज या वर्ल्ड अफेयर्स के बारे में बात करेगी. उसकी बातें रैंडम चीजों के बारे में ही रहेगी एंड दैट इज कम्प्लीटली फाइन. सो ये कॉन्वर्सेशन स्लेम के होते हैं ये क्वेश्चन करना मेक्स नो सेंस बिकॉज ये शो का थीम ही कुछ वैसा है. पर एक्चुअल इशू यहाँ पे ये है दैट इंटरव्यूज कंडक्ट करना भी ना एक स्किल होता है. इट इज नॉट ईजी. लॉन्ग पॉजेस नहीं ले सकते, क्वेश्चन ऐसे पूछने पड़ते हैं कि कॉन्वर्सेशन एंगेजिंग लगे, आंसर के बेसिस पे प्रॉपर रिस्पॉन्स भी देना पड़ता है एंड दैट इज समथिंग जो शहनाज नहीं कर पाती. हेंस ही एपिसोड्स ना थोड़े ऑकवर्ड एंड वियर्ड हो जाते हैं. काफी लॉन्ग पॉजेस लिए जाते हैं बिकॉज ये उसके लिए भी नया है. एंड एट टाइम्स जो क्विक रिस्पॉन्स आता ना शहनाज से वो थोड़ा डिसरिस्पेक्टफुल भी लगता है गेस्ट के लिए. प्लस बातें आगे बढ़ाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी होस्ट के ऊपर होता है बट शहनाज गिल एट टाइम्स वो कर नहीं पाती एंड गेस्ट को वो करना पड़ता है. शहनाज को उसका बबली नेचर इंटैक्ट रखना है वो रख सकती है. जस्ट दैट ऐसे सेशंस के दौरान शी हैज टू अंडरस्टैंड कि फोकस उस पे नहीं है, फोकस गेस्ट पे है. तो थोड़ा प्रोफेशनल उसे होना पड़ेगा एंड नो डाउट आई ऑल्सो अग्री उसके रिएक्शंस ओवर होते हैं. उसे थोड़ा ये एरिया में वर्क करना पड़ेगा. अपने रिएक्शंस को अगर वो टोन डाउन करेगी तो ज्यादा नेचुरल लगेगा. एंड आई ऑल्सो फील कि शहनाज को इतना हेट देने की जगह या उसके इंटरव्यू सेशंस को कैंसिल करने की जगह एक चांस लोगों को उसको देना चाहिए. मे बी कॉमेंट्स में जो फीडबैक आ रहे हैं वो पढ़ने के बाद वो चेंजेस करेगी थोड़ा खुद में. एंड उसकी पीआर टीम को भी ये समझना पड़ेगा कि ज्यादा ही क्यूट या ज्यादा ही डम बिहेव करना उसके लिए अभी वर्क नहीं कर रहा.
तो दे नीड टू चेंज दैट नरेशन नाउ. ऑल्सो ये भी ब्लेम डाला जाता है शहनाज पे कि वो बार बार सिंपति कार्ड खेलती है, वो अपने बेनिफिट के लिए ये करती है. सी हियर आई फील कि शहनाज फॉल्ट में बिल्कुल नहीं है. देयर वॉज अ फेज जब वो वापस काम करने लगी थी ना, तब लोग उसे सिर्फ उसके एक्स पार्टनर के बारे में सवाल पूछते थे, जा जाके उसको ये सवाल पूछते. ऐसे वक्त में वो क्या करेगी? सवाल पूछे जा रहे तो वो रिस्पॉन्ड करेगी ना. अभी दो आज के वक्त में ये कम हुआ है, बट स्टिल इट इज हैपनिंग. एंड बिग बॉस के दौरान दोनों ने जो इतने सारे मेमोरीज बनाए हैं ना, वो इंटरनेट पे रहने वाले हैं. लोग उन दोनों पे आज भी रील्स इसलिए बनाते हैं बिकॉज ये कपल को कितना पसंद किया जाता है ये सब जानते हैं. तो इसमें शहनाज की गलती नहीं है कि ऑडियंस ने अभी भी वो हाइप क्रिएट करके रखा है. कई लोग जो ये कपल को जानते भी नहीं थे ना, वो लोग इन पे रील बनाते हैं. एंड उसमें कुछ गलत नहीं है, दैट इज फाइन. बट द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू कन्वे हियर इज दैट कि जो जानता नहीं था वो उनके बारे में बात कर सकता है, बट शहनाज जो ये चीजों से गुजर चुकी है वो अपने इमोशंस के बारे में बात करे, देन दैट इज रॉन्ग. वो तो सिंपति के लिए करी है. दिस इज नॉट एट ऑल फेयर. वो पर्सन उसके लाइफ का हिस्सा था. सडनली वो ऐसे प्रिटेंड नहीं कर सकती कि वो जो प्यार था ना वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था. खुद के फीलिंग्स के बारे में बात करना ना, ये चीज को नॉर्मलाइज करना चाहिए. एक्सपेक्ट करना सबसे कि वो अपने इमोशंस को सप्रेस करके हर वक्त स्माइल करते रहे इज एक्चुअली क्रूअल. सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. डू लेट मी नो कि शहनाज गिल के बारे में जो भी बोला जा रहा है इस पर आपका क्या कहना है. एंड इफ यू वांट यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें, और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें. थैंक यू.